सम्मान पत्र भेंट किए। इसी दौरान मिशिगन के एक शहर एन आर्बर के मेयर ने सदगुरु बाबा जी को शहर की चाबी सौंपते हुए कहा कि हम दिलों की चाबी भी आपको दे रहे हैं। 14-15 सितंबर 2002 को पेरिस में यूरोप का 2 दिवसीय समागम आयोजित हुआ, जिसमें वक्ताओं ने अपने भाव व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के साथ साथ डच, फ्रेंच, जर्मन तथा अन्य यूरोपियन भाषाओं का सहारा लिया। इससे विश्व बंधुत्व का संदेश यूरोपीय मूल के लोगों तक भी स्पष्ट से पहुंचा। बाबा जी एवं माता जी की पावन छत्र छाया में संत सत्य, ज्ञान और प्रेम के संदेश को जन जन तक पहुंचाता यह मिशन दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करने लगा। 23 फरवरी 2003 को भक्तों के असीम आग्रह पर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने पहली बार अपने जन्मदिन को दिल्ली में गुरु पूजा दिवस के रूप में मनाने की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही आपने इस दिन को वर्षा से चलते आ रहे वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान से जोड़कर श्रद्धालुओं को लोक कल्याण के लिए प्रेरित किया। यह सिलसिला निरंतर विस्तार प्राप्त करता गया। हर वर्ष गुरु पूजा दिवस पर जहाँ भक्तों को अपना स्नेहिल आशीर्वाद प्राप्त होने से नव उल्लास मिलता गया, वही समाज कल्याण के कार्यों का भी देश विदेश में फैलाव होता गया। बाबा हरदेव सिंह जी का जन्मदिन एक ऐसा अवसर बनता जब कवियों के पुलकित हृदय राजमाता जी को जननी के रूप में बधाई देते नहीं थकते थे। माँ तुझको लाख बधाई है, तू गुरु हरदेव की माई है, तेरे इस नूर के आने से दुनिया में हुई रोशनाई है। अपने जन्मदिवस पर भी आप भक्तों के लबों पर हंसी व चेहरों पर हमेशा खुशी की कामना करते। आपकी पावन उपस्थिति में होने वाले समागमों का स्वरूप इतना रूहानी बन जाता कि भक्त उस आनंद व उल्लास का वर्णन ही नहीं कर पाते। आप निरंकार के एहसास में से भरी रूहों के मिलन को सद्भावनाओं का समन्वय स्थल बताते। एक बार गुरु वंदना समारोह में बाबा जी के उद्गार कुछ इस प्रकार थे। इन समागमों के नज़ारों को बयान करने के लिए लगता है जैसे कोई शब्द बना ही नहीं होगा। जिस प्रकार से ये भावनाएं तरंगित हो रही है, जो हृदय से निकली बल्कि रोम रोम से उमड़ कर आ रही है, और वाकई जिसकी कीमत भी दुनियावी दृष्टि से आकी नहीं जा सकती है, क्योंकि इन फिजाओं में जो महक फैलाई गई वह महक विश्व के अनेक मुल्कों की नुमाइंदगी करने वाले महापुरुषों, इस देश के अनेक गांवों खेड़ों से आए महापुरुषों की सुंदर भावनाओं के कारण ही है। आप इस तप त्याग की महक को घर लौटने के बाद भी जन जन तक फैलाने की प्रेरणा देते। आपका रूहानी कारवा सब में नई ऊर्जा भरता हुआ निरंतर आगे बढ़ता रहा। बरसात हो या चिलचिलाती धूप, कड़कड़ाती सर्दी हो या कोहरे की रास्ता रोकने वाली धुंध, आपने किसी भी मौसम की परवाह नहीं की। कभी खुले मैदानों में, कभी पहाड़ों पर, तो कभी तपते रेगिस्तानों में चले गए। संसार सुखी करने का तुमने दृढ़ संकल्प उठाया था। मानवता की खातिर अपना हर सुख चैन गवाया था। कोई कहीं जो दुखी हुआ तो चैन से तुम न सो पाए। सबके दर्द में शामिल थे और खुशी में सबकी मुस्काए। सदगुरु बाबा जी के मार्गदर्शन में 1 मार्च 2003 में सत्य और प्रेम के संदेश को विश्व भर में सभी अध्यात्म प्रेमियों तक पहुंचाने के लिए इंटरनेट पर वॉइस डिवाइन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सत्य संदेश के प्रसारण का यह एक ऐसा खूबसूरत मंच बन गया जिसके साथ विश्व भर के हजारों श्रोता जुड़ने लगे तथा हर माह आपका दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहने लगे। आप निरंकार से जुड़े विविध पहलुओं की ओर ध्यान आकृष्ट करवाते रहे। 26 अप्रैल से 28 जून 2003 के बीच हुई 64 दिवसीय इंग्लैंड, यूरोप तथा दुबई की मानव कल्याण यात्राओं में गुरुदेव ने 2 मुख्य बिंदुओं पर बल दिया। जब हर समय निरंकार को बीच में रखकर कार्य करते हैं तो हर कार्य में सफलता सुनिश्चित हो जाती है। सच्ची खुशी पदार्थों के साथ नहीं, निरंकार के साथ जुड़कर ही मिलती है। सत्य सम्राट बाबा जी अमन एकता, प्रीत, नम्रता, विशालता जैसे दैवीय गुणों द्वारा मानव समाज का नव निर्माण करते गए।
22 अगस्त से 18 सितंबर 2003 के बीच सदगुरु बाबा जी व राजमाता जी ने भारत के दक्षिण तथा पश्चिमी राज्यों की कल्याण यात्रा की, जहां दक्षिण भारत के सत्संग समारोह में वहां की पारंपरिक लोक संस्कृति के दर्शन हुए। वहीं पश्चिमी राज्यों में मराठी व कोकणी संस्कृति के बाबा जी की हजूरी में उमड़ता जन सैलाब यही दर्शा रहा था कि भाषाओं की विविधता के बावजूद सत्य की ज्योति पूर्ण उत्साह के साथ जगमगाती रही है। सदगुरु बाबा जी का जहाँ जहाँ आगमन होता वहाँ आध्यात्मिक उत्सव जैसा नज़ारा दिखाई पड़ता। मिशन के सरल आध्यात्मिक विचारों और मानवता भरे सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर भारत के कई राज्यों ने सम्मान स्वरूप बाबा जी को राजकीय अतिथि स्टेट गेस्ट घोषित किया। वर्ष 2004 में हुजूर पहली बार जम्मू कश्मीर के बटोते तथा कटरा में पधारे। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पटनी टॉप में आपका कार्यक्रम हुआ। अन्य शहरों की तरह यहाँ भी जम्मू कश्मीर के लोग निर्माण राज्य मंत्री व पूर्व सांसद के आपका भव्य स्वागत किया। सांसद ने इस यात्रा में पूर्व घोषित कार्यक्रम तो सिर्फ 5 थे, लेकिन गुरुदेव हरदेव जी के अलौकिक व्यक्तित्व के प्रभाव से श्रद्धालुओं ने 36 स्थानों पर सत्संग समारोह आयोजित किए। गुरुदेव जहाँ जहाँ भी जाते लगभग हर क्षेत्र में यही देखने को मिलता कि उनकी कल्याण यात्रा की समाप्ति तक निर्धारित स्थानों की संख्या दुगनी हो जाती। बाबा जी के प्रेम की डोर से बंदे भक्तजन हर स्थान पर मिलों का सफर तय करते अपने हृदय सम्राट सदगुरु के दर्शनों हेतु पहुंच जाते। जनवरी 2005 में आयरलैंड में यूनान में जब पहली बार सदगुरु का पदार्पण हुआ तो वहां बसे हुए लोगों ने मिशन के सत्य संदेश को सुनकर बाबा जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए ऐसा आशीर्वाद मांगा कि इस विश्व बंधुत्व की भावना का विस्तार यहाँ भविष्य में भी निरंतर होता रहे। जनसंपर्क गतिविधियाँ, बाबा हरदेव सिंह जी ने सबको मूल स्रोत निरंकार प्रभु के साथ जोड़ने का सफल व हर संभव प्रयास किया। अपने मिशन के सत्य संदेश को संपूर्ण विश्व में फैलाने के लिए सेमिनार की एक नवीन श्रृंखला आरंभ की, जो शिक्षित व बुद्धिजीवी वर्ग में आध्यात्मिक जागृति लाने में सहायक बनी। 13 मई 2005 को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित सेमिनार में उपस्थित तत्कालीन प्रधानमंत्री तथा अनेक धर्मों के आचार्य के सन्मुख सह अस्तित्व के दर्शन का मूल भाव समझाते हुए अपने फरमाया, आज विश्व को सिर्फ सह अस्तित्व नहीं बल्कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की आवश्यकता है। सदगुरु बाबा जी आध्यात्मिक उत्थान के साथ साथ सामाजिक बुराइयों से सावधान रहने के लिए भी सचेत करते रहे। 24 अप्रैल 2006 को मानव एकता दिवस पर आपने नशे से गुरेज करने और विपरीत भावनाओं से ऊपर उठने के संदेश को दोहराया। 13 मई 2006 को इंटरफेथ हार्मनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित सामाजिक सद्भाव गोष्ठी में पूर्व प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री आदि अनेक गणमान्य विभूतियों के साथ साथ बाबा जी ने भी अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। कार्यक्रम में पधारे सभी प्रतिष्ठित विभूतियाँ बाबा जी की पावन उपस्थिति से अति प्रभावित हुई। बाबा जी स्थान स्थान पर जाकर ज्ञान का दीप जलाते रहे। अगस्त 2006 में वैकुंवर कनाडा में आयोजित सत्संग समारोह में रिचमंड इलाके के मेयर महोदय ने सदगुरु बाबा जी का भावपूर्ण स्वागत करते हुए कहा, विश्व में आज जो समस्याएं दिखाई दे रही है उनके समाधान में के लिए निरंकारी बाबा जी सही मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, इस प्रकार सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। 2 एवं 3 सितंबर 2006 को आपकी हुजूरी में स्पेन के शहर बर्सिलोना में 14 यूरोपीय संत समागम संपन्न हुआ। 14 अक्टूबर 2006 को दिल्ली के श्री सत्य साई इंटरनेशनल सेंटर में बाबा जी पूज्य माता जी एवं राज माता जी की हुजूरी में विश्व एकता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर परिचर्चा हुई। इसके बाद सेमिनार का यह सिलसिला लगातार चलता और बढ़ता रहा। 2006 में 59वें समागम के अवसर पर अपने सुंदर विश्व की कल्पना करते हुए कहा, यदि मानव के बुझे हुए दीपक जलते जाएंगे, एक से सौ, सौ से हजार, हजार से लाख, लाखों से करोड़ों तक
तो अनुमान लगा सकते हैं कि जब करोड़ों दीप जल उठेंगे तो कितना सुंदर नज़ारा होगा। 21 और 22 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली के जवाहर भवन में आयोजित साउथ एशिया इंटरफेथ हार्मनी कॉन्क्लेव में आपने स्पष्ट किया कि मानवता का धर्म ही विश्व में प्रेम, शांति और मिलवर्तन की स्थापना कर सकता है। अलग अलग किस्सों के फूल जब एक ही क्यारी में खिल सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं मिलकर रह सकते। दिलों को विशाल करें, क्योंकि हाथ मिलाने के लिए हाथों का खुला होना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि सेमिनार में तत्कालीन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित देश विदेश से आए धार्मिक नेता एवं श्रद्धालु उपस्थित थे। 20 सितंबर 2007 को लंदन में हुई 8वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कर बाबा जी ने कॉरपोरेट जगत से संपूर्ण मानवता के हित में काम करने का आह्वान किया। 26 सितंबर 2007 को फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में 27 देशों की यूरोपियन संसद द्वारा सदगुरु बाबा जी का भव्य स्वागत किया गया। 30 नवंबर से 2 सितंबर 2007 तक हैदराबाद में आयोजित आध्यात्म विज्ञान पर आधारित प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में बाबा जी ने धरती पर जीवन सुरक्षित रखने का एकमात्र उपाय मानवता एवं विश्व बंधुत्व को बताया। यह CBI के पूर्व प्रमुख एवं आंध्र प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय ने सदगुरु बाबा जी के प्रति अपना सम्मान व श्रद्धा प्रकट की। 5 और 6 जनवरी 2008 सिनाटी अमेरिका में आयोजित विश्व अमन सेमिनार में वाशिंगटन, मिशिगन, शिकागो, ह्यूस्टन, फ्लोरिडा और न्यू जर्सी से संतों ने भाग लिया। बाबा जी ने इंटरनेट के माध्यम से युवा पीढ़ी को विश्व में शांति तथा मधुर समन्वय लाने का शुभाशीर्वाद प्रदान किया। 30 मई से 1 जून 2008 तक पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में सदगुरु बाबा जी ने पर्यावरण सुरक्षा संकल्प हेतु मानव श्रृंखला का उद्घाटन किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस अवसर पर उपस्थित स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री सदगुरु बाबा जी के वचनों से अत्यधिक प्रभावित हुए। 9 जुलाई 2008 को स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के साथ मिलकर स्कोप ऑडिटोरियम दिल्ली में आयोजित सेमिनार 21वीं सदी में कॉरपोरेट मैनेजमेंट में अध्यात्म की प्रासंगिक में सदगुरु बाबा जी ने मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी वस्तुओं के स्थान पर सम्मान को ही सबसे महत्वपूर्ण मानने की और ध्यान दिलाया। 7 अगस्त 2008 को सदगुरु बाबा जी कुवैत पधारे। कुवैत में भारतीय राजदूत ने बाबा जी का भावपूर्ण स्वागत किया। यहाँ बाबा जी ने पीस नॉट पीसेज का नारा देते हुए विश्व शांति का संदेश दिया। आपके आशीर्वाद से यूरोप के देश पुर्तगाल में भी संत निरंकारी मिशन की स्थापना की गई। नवंबर 2009 में बाबा जी ने बच्चों के लिए किड्स वेबसाइट शुरू करके मानवीय मूल्यों व उत्तम संस्कारों की शिक्षा देने का एक नया माध्यम चुना, ताकि बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा को निखारा जा सके एक एवं उनका सामाजिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। आपकी रहनुमाई में देश विदेश में अध्यात्म की ज्योति के साथ साथ मिशन द्वारा निभाई जाने वाली जनकल्याण संबंधी सेवाओं को भी नई दिशा प्राप्त हुई। 12 अप्रैल 2010 को सदगुरु बाबा जी ने संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन स्थापन करके सामाजिक उत्थान की दिशा में एक महत्व